कदीमा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नानक सागर जंगल के जोगी ठेर में लगभग 70 वर्षों से बसे अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों ने ग्राम प्रधान मदन सिंह के नेतृत्व में स्वामित्व योजना के अंतर्गत मालिकाना हक दिए जाने के संबंध में आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ज्ञापन दिया। ग्राम प्रधान मदन सिंह ने बताया कि ग्राम जंगल जोगी ठेर में बसे लगभग 200 परिवारों को उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि इस हक को न मिलने से हमारा कोई भी दस्तावेज या सरकारी सुविधा हमें नहीं मिल पाती। साथ ही बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। इसी को लेकर ग्रामीणों में खटीमा सीएम पुष्कर सिंह धामी के कैंप कार्यालय के पीआरओ के माध्यम से उत्तराखंड में सीएम को ज्ञापन भेजा। गौरतलब है कि जंगल जोगी ठेर के लोग विगत कई वर्षों से मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं, परंतु अभी तक समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। वहीं इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के पीआरओ प्रमोद जोशी ने बताया कि स्वामित्व योजना का लाभ लेने वाले जंगल जोगी ठेर के लोगों ने ज्ञापन खटीमा कैंप कार्यालय में दे दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखकर इस समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। वहीं खटीमा मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में तैनात पीआरओ प्रमोद जोशी ने बताया कि खटीमा में लगभग प्रतिदिन 200 से अधिक लोग समस्या लेकर आते हैं। हमारा और सीएम साहब का यही प्रयास है कि सभी की समस्याओं को सुना जाए और उनका समाधान सुगमता और सरलता से किया जा सके। नानक सागर जंगल जोगी ठेर में बसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को स्वामित्व योजना के लिए ग्राम प्रधान जी के माध्यम से आज गांव के ग्रामीण यहां पर आए हुए हैं। इनकी मांग है कि हमें स्वामित्व योजना का लाभ दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इनकी मांग को रखकर जल्दी ही समस्या का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर जो है कैंप ऑफिस में डेली जो समस्याएं आती हैं उनके लोकल स्तर पर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, और जो समस्याएं प्रदेश लेवल की हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखकर उनका भी हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। कैंप ऑफिस में जब से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर कैंप ऑफिस के शुभारम्भ किया गया है, लगभग 100-150-200 के लोग लगभग पर डे आते हैं यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर। खटीमा के साथ साथ अन्य जिलों को, ऊधमसिंह नगर है, चम्पावत है, उधर अल्मोड़ा, नैनीताल के साथ साथ अन्य जिलों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। हम लोगों का प्रयास यही रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा ही प्रयास रहा है कि लोगों को सरलता सुगमता से उनके काम हो जाए, और हम लोग इसी पे ध्यान रखते हुए जो है लोगों का निस्तारण का पूरा प्रयास करते हैं। संबंधित विभाग के जो है अधिकारियों को, कर्मचारियों को पत्र के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से एवं विभिन्न माध्यमों से उनका समस्याओं का समाधान करने का प्रयास। हमारी मांगे ये हैं कि जो जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं आज ग्राम जंगल जोगी ठेर में, तो उस जगह पे हमें मालिकाना हक मिलना चाहिए, और इस जो हमें जो हक नहीं मिल रहा है इसकी वजह से हमारे जो भी बाल बच्चे हैं उनका वजीफा हो गया, कोई भी चीज़ हुई, कोई कागज़ नहीं बन पा रहा है। तो हमारी सरकार से यही अरदास है कि ताकि हमें इसका मालिकाना हक दिया जाए और जो भी हमारी समस्याएँ हैं सब उसी से हमारी पूरी होंगी। जो भी जितनी भी ज़मीन पे जो बैठा, हम नहीं कहते कि हमें ज़्यादा दो, जितने पे बैठे हैं हमें उसी पे मिल जाए, बस हमें इसी पे लगभग 200 परिवार बैठे हैं साथ।